जब कोई इंजरी होती है ना, काफी कुछ चेंज हो जाता है, एंड कुछ ऐसा ही हुआ इस केस में। हाय, वेलकम टू अ ह्यूज ट्राउजर्स हॉल अंडर ₹500। देयर ऑल फ्रॉम आजियो। हुआ क्या कि मेरा टेल बोन हो गया है इंजर, तो मुझे टाइट कपड़े और डेनिम्स पहनने को स्ट्रेट मना किया है, बिकॉज वो प्रेशर डालता है ऑन माय टेल बोन। सो उस चक्कर में आई एंड अप सर्चिंग की बजट ट्राउजर्स ढूंढते हैं। सो लेट्स बिगिन। नाउ अ व्हाइट ट्राउजर इज अ मस्ट हैव सबके वार्डरोब में, बिकॉज दिस विल गो विथ योर क्रॉप टॉप्स विथ एनी कलर। व्हाइट ऑन व्हाइट भी अच्छा लगता है, सो दिस आई थिंक इज परफेक्ट। ये ट्रांसपेरेंट है, हल्की सी, इतनी ट्रांसपेरेंट नहीं है। सो इफ यू वेयर बॉय शॉर्ट्स, दिस इज व्हाट अ पेयर ऑफ बॉय शॉर्ट्स लुक लाइक। सो वो थोड़े से टाइट होने चाहिए, पैंटी लाइन नहीं विजिबल होनी चाहिए। इट्स कॉल्ड नो VPL, नो विजिबल पैंटी लाइन। मैं नीचे काफी सारे ऑप्शन लिंक कर दूंगी। एंड ऑल्टरनेटिवली, इफ यू आर कॉन्शियस ऑफ योर टमी व्हेन यू वेयर क्रॉप टॉप्स, तो उसमें आप शेप वेयर पहन सकते हो। आई लव ज़िवामे की शेप वेयर। एंड देयर इज वन मोर लोकल ब्रांड आई हैव ट्राइड जिसका बहुत अच्छा था, वो भी दोनों मैं लिंक कर दूंगी। सो द वे टू गो लाइट कपड़े, स्पेशली लाइट ट्राउजर्स, इज ये दोनों टाइप के अंडरवेयर आपके क्लोजेट में होने चाहिए। ड्रेसेस में भी काम आते हैं, बट फॉर लाइट कलर ट्राउजर्स दे आर अ मस्ट। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, दे फ्लो रियली वेल नी के यहाँ से भी, एंड जो वर्टिकल स्ट्राइप्स है दे एड टू द लुक, एंड आई लव दीज वंस। सेकेंड है थोड़े इंटरेस्टिंग एंड थोड़े से हटके कलर में। आई एम टॉकिंग अबाउट दीज मॉव ट्राउजर्स, लाइलैक ट्राउजर्स, एंड जस्ट लाइक द व्हाइट दे फ्लो रियली वेल। मटेरियल बहुत अच्छा है, साइजिंग इज ऑल्सो ऑन पॉइंट। आई ऑर्डर अ मीडियम एंड इट फिट्स रियली वेल। इसमें कलर ब्लॉकिंग करना बहुत अच्छा रहेगा, लाइक रेड एंड दिस कलर लुक्स अमेजिंग। बट इफ यू वांट टू प्ले सेफ, इसके साथ आप व्हाइट टॉप या ब्लैक भी स्टाइल कर सकते हैं। इफ यू आर गोइंग ऑन अ वेकेशन, तो तब तो ये कलर्स और उठ के आता है, बिकॉज अगेंस्ट ग्रीन, अगेंस्ट नेचर, लाइक इफ यू हैव इट अगेंस्ट the plant, it looks very beautiful. So you can get these for something like that. Unfortunately, मैंने जो black trousers order की थी वो cancel हो गई। I don't know what went wrong on the back end. लेकिन मैंने एक navy pair of trousers भी मंगाई थी, thank God, because एक dark color की pant बहुत handy आते हैं, even if you're not doing a job, even if you're just a student or if you're into business, तो भी कभी भी formal wear का need आ सकता है। And any button down shirt gets elevated एक black trouser के साथ, so a black trouser is a must, or even a नेवी विल डू द जॉब। इसमें मुझे एक ही प्रॉब्लम है साइजिंग का। ऑल दिस टाइम आई थॉट कि ये XL है, यानी इतना छोटा है। अभी मैंने टैग देखा कि ये एक्स्ट्रा स्मॉल है, मुझे गलत साइज भेज दी गई है। फिर भी फिट तो आ गया यार, नॉट बैड। बट हाँ, ये फिग से है, तो मुझे लगा था कि डिलीवरी प्रॉब्लम है, गलत साइज भेज दी गई है। मटेरियल इज फैबुलस। बेस्ट पार्ट, इसकी स्टिचिंग ना बहुत ही परफेक्शन से की गई है। लाइक इफ द स्टिचिंग इज वेरी पुअरली डन, फॉर्मल वेयर में बहुत गंदा लगता है, तो कभी भी उस पर्पज के लिए आपको डिटेल्स में बहुत ध्यान देना है। इवन द वेस्ट बैंड नीड्स टू बी क्लीन, क्योंकि जब आप शर्ट टक इन करोगे तो वो तो दिख के आएगी। सो इट कांट बी लाइक पेपर बैग और एनीथिंग, उसको स्लीक रखना बहुत जरूरी है। इसमें पॉकेट्स तो नहीं है, तो ये एकदम फॉर्मल लुक नहीं देगा, बट फॉर सेमी फॉर्मल लुक बहुत सही रहेंगी। प्लस नीचे से हल्का सा फ्लेयर है, सो फॉर अ पेयर शेप बॉडी ये और अच्छा लगता है, एंड पॉइंटेड फ्लैट्स इसके साथ बेस्ट लगेंगे। तो फिर ना मैंने थोड़ा एक्सपेरिमेंट ट्राई किया जो हाफ पास हाफ फेल हो गया, आई डोंट नो, यू टेल मी। सो दिस पिंक ट्राउजर्स, आई लव कलर, यू नो कि मुझे ब्राइट कलर्स बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। सो व्हेन आई सॉ दिस कलर आई वाज इन लव। और इसको खोलते से मटेरियल भी इसका बेस्ट है, लाइक सारे ट्राउजर्स में से इसका मटेरियल मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया। बट जैसे काव्यार, जो लोअर एब्डोमेन एरिया के वहां पर ना बहुत एक्स्ट्रा और लूज फैब्रिक है, तो वो थोड़ा वियर्ड लग रहा था। इसके पॉकेट्स भी काफी सही है, बट द एक्सपेरिमेंट वाज कि नीचे से एकदम टेपरिंग है, तो ये हल्का हल्का सा लेगिंग्स वाला लुक भी दे रहा है। सो आई थिंक ये पर्टिकुलर ट्राउजर ना वेस्टर्न वेयर में शायद इतना अच्छा नहीं लगेगा जितना ये इंडियन वेयर में लगेगा, बिकॉज यू नो इसका बेल्ट कितना प्यारा है, तो शॉर्ट कुर्तीज के साथ ही बहुत अच्छा लगेगा। लेगिंग्स से तो डेफिनेटली बेटर लगेगा, एंड इवन फ्रॉम चूड़ीदार। सो हाँ, ये वेस्टर्न के लिए मत लेना, बट इंडो वेस्टर्न के लिए डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। वेट फॉर द लास्ट वन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, बिकॉज आई फाउंड द बेस्ट वन, व्हिच इज आल्सो फ्रॉम अ वेरी गुड ब्रांड। ओके, मूविंग ऑन टू द फिफ्थ वन। फ्रेंड्स के साथ खेलना काफी फन हो सकता है इफ वी स्टाइल देम वेल। तो आई फाउंड हाउंडस्टूथ प्रिंट, जो सबसे वायरल किया था H&M ने। H&M की ये जो टोट बैग थी ना, एवरीबडी हैड इट, तो उसी प्रिंट में आई फाउंड दीज ट्राउजर्स। तो मुझे लगता है कि विंटर में ज्यादा अच्छे रहेंगे, बहुत ठंडी जगह पे नहीं, उसमें थर्मल वेयर के साथ पहनना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज अ वेरी पतला मटेरियल। बट द बेस्ट वे टू स्टाइल दिस इज पिक अप अ कलर फ्रॉम दिस इटसेल्फ,
क्रीम भी हो सकता है या तो ब्लैक भी हो सकता है, बिकॉज ऑलरेडी ये बहुत बिजी है। जो प्रिंट ऐसे होती है ना जिसमें बहुत कुछ हो रहा है, टॉप में बिल्कुल भी प्रिंट नहीं होनी चाहिए एंड एक और कलर भी ऐड नहीं करना चाहिए। सो दैट्स व्हाई विद अ सिंपल ब्लैक टॉप ये बहुत अच्छी रहेगी। बॉटम से फ्लेयर जो होता है ना वो और ड्रामा ऐड करता है। एंड आई बॉट एक मांगो से ट्राउजर्स ऐसी जो प्रॉपर विंटर वेयर के लिए स्वेटर मटेरियल के, दैट वॉज फॉर 3,500, व्हिच इज व्हाई आई वांटेड टू ट्राई समथिंग इन बजट। इट्स नॉट कंपल्सरी टू स्पेंड अ ह्यूज अमाउंट टू ट्राई समथिंग न्यू एंड दैट वॉज सक्सेसफुल। टॉकिंग अबाउट प्रिंट्स, स्ट्राइप्स आर एवरग्रीन। अगेन फॉर्मल्स में मैंने स्ट्राइप्स का यूज बहुत देखा है। सिंस दिस इज नेवी एंड नॉट ब्लैक, इट्स बेटर टू अगेन यूज अ व्हाइट टॉप ऑन टॉप ऑफ दिस। वन थिंग जो मुझे इसमें इतनी पसंद नहीं आई वॉज कि जो क्रॉच एरिया है ना वहां से एक और स्ट्राइप चालू हो रहा है। सो इट्स नॉट द बेस्ट लुक। एक्चुअली वहां पे नेवी ही होना चाहिए था, बट आई थिंक सिमेट्री मेंटेन करने के लिए ऐसा हो गया। पूरी थोड़ा पुट ऑफ कर रहा है। इसका स्ट्रेट लेग शेप इज वेरी कंफर्टेबल एंड पूरा दिन बैठने में भी इट्स गोना कॉज यू नो डिस्कम्फर्ट। पॉकेट्स होते तो डेफिनेटली और फंक्शनल होता बिकॉज दिस कैन बी स्टाइल्ड फॉर ऑफिस वेयर। मटेरियल थोड़ा सा सिंथेटिक पॉलिएस्टर जैसा है, बट अगर आपको सेफ स्टार्ट करना है प्रिंटेड ट्राउजर्स में देन स्ट्राइप्स शुड बी द फर्स्ट वन इन योर वार्डरोब। ओके, सेकंड लास्ट वन है ये प्यारे सी ब्लू कलर में एंड इसका मटेरियल बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है बिकॉज दिस फील्स लाइक प्योर कॉटन। थोड़ा सा ट्रैक पैंट वाला फील है इसका। नाउ द थिंग इज व्हेन यू सी मी वेयर एन ओवरसाइज टी शर्ट समझ जाओ कि वो ट्रांसपेरेंट है। ये काफी ट्रांसपेरेंट है तो इसमें भी आपको शेपर या बॉय शॉर्ट्स पहनने पड़ेंगे। एंड डिस्क्लेमर, नो वन गोना कमेंट अबाउट माय बॉडी इन दिस वीडियो बिकॉज ए मेरे पीरियड्स आने वाले तो मुझे ब्लोटिंग हो गई है। दूसरा, आई हैव गेन्ड वेट एंड आई एम डूइंग माय बेस्ट आई कैन टू गेट फिट अगेन। ट्रस्ट मी, नोबडी गेट्स अनफिट ऑन पर्पस। देर आर अदर थिंग्स इन योर लाइफ जो आप अच्छे से अगर हैंडल नहीं कर पाते तो मेंटल ब्रेकडाउन होता है, स्ट्रेस ईटिंग होता है एंड स्ट्रेस से भी वेट गेन होता है काफी लोगों को। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है एंड दैट्स वाई मुझे और ट्रिगर होता है और स्ट्रेस होता है अगर बहुत लोग हेट देते हैं मेरे वेट को लेकर। सो आई एम डूइंग फाइन। मुझे भी थोड़ा टाइम लग रहा है मेरे बॉडी से एडजस्ट होने में, लाइक दिस एक्स्ट्रा आर्म फैट एंड माई थाइज। तो मैं वो इनसिक्योरिटीज जो नहीं आई है उनसे फाइट करी, बट प्लीज डोंट मेक देम वर्स बाय कमेंटिंग। तो बस आई वांटेड टू रिक्वेस्ट दैट। बट कमिंग बैक टू द ट्राउजर्स, इसके साथ लॉन्ग टॉप्स पहनना ही बेटर लगेगा। सो दे क्लिंग अ लॉट टू योर बॉडी एंड इफ दैट मेक्स यू अनकंफर्टेबल यू कैन वेयर लॉन्ग टॉप्स ऑन टॉप ऑफ दिस, अदरवाइज यू कैन ड्रॉप देम विद क्रॉप टॉप्स, व्हाटएवर सेज योर बोर्ड। ये काफी ज्यादा लंबी है तो मैं 5'5" ऑलमोस्ट, तो आपको शायद हेम करवाना पड़ेगा अगर आप मेरे हाइट के हो तो। इफ यू आर अ टॉल गर्ल यू विल एंजॉय वेयरिंग दिस, दीज आर क्वाइट फन। एंड लास्ट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, रादर द बेस्ट इज फ्रॉम रोल दिस पैर ऑफ सी ग्रीन मिंट पैंट्स। माई गॉड, आई फाउंड देम फ्रॉम JDY बाय ओनली। दिस ब्रांड आई हैव नॉट सीन एनी मार्केटिंग सो फार फॉर दिस ब्रांड। आई थिंक ये ओनली का ही सब ब्रांड स्टार्ट हुआ है, बट दे आर मेकिंग ग्रेट स्टफ। ये पेपर बैग ट्राउजर है एंड देर आर पॉकेट्स ऑन बोथ साइड्स इन दिस। स्लाइटली सी थ्रू, येस, वेयर द सेम लॉन्जरी दैट आई गाइडेड यू अबाउट। और इसमें नीचे फ्लेयर भी बहुत प्यारा है, लाइक द क्वालिटी ऑफ दीज पता चल रहा है ना डिफरेंस की। हाँ, ये काफी बेटर है। प्लस यू गेटिंग समथिंग डिफरेंट लाइक अ पेपर बैग वेस्ट, जो नॉर्मली अंडर 500 ढूंढना थोड़ा टफ हो जाता है। आई बॉल्स इन अ साइज 32 एंड एक ही इशू हो रहा था कि इसमें इलास्टिक ना बस इतनी ही है। नॉर्मली इलास्टिक्स थोड़ी और होती है, सो वेयरिंग दिस वॉज अ लिटिल बिट टफ। यू कैन साइज वन अप अगर आप ये ले रहे हो, बट दीज आर 222 प्रिटी। एंड दूसरे पेसल कलर्स के साथ भी ये बहुत अच्छी लगेगी, लाइक अ लाइट येलो, अ लाइट pink, even with a light lilac it looks superb. But yeah, this was me finding the best of the best trousers from Ajio under a budget. So if you want more such affordable hauls, comment down below aur kya mujhe dhoondna chahiye. And if you enjoyed watching this video then do it a thumbs up and subscribe to our channel. If you did not enjoy watching this video then just give it a thumbs down. I will see you in a brand new video very very soon. Until then, goodbye.